मैं इसलिए सच्चाई प्रचार कर रहा हूँ कि प्रभु हमें धनी कैसे और क्यों बनाता है। प्रभु क्यों चाहता है कि हमारे पास में अब्राहम की आशीष हो, और क्यों प्रभु चाहता है कि हम धन में संपन्न होते चले जाए। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर हर परिवार सुसमाचार सुन सके। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy steadfast love of the Lord never ceases. His mercies रेवरेंड सैम पी चल्लदुरई के द्वारा चलाए गए बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। और जानकारी के लिए कृपया हमें लिखिए FGBC PO बॉक्स 494 67। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें संपर्क करें। अय्यूब 22 और चलिए वचन 21 से आगे पढ़ते हैं। उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। यहां यह आदमी अच्छी सलाह देता है, प्रभु को जाने और शांति से रहे, शांति से रहे। जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि प्रभु को जाने। क्या प्रभु को जानते हैं? उससे मेल मिलाप कर तुझे शांति मिलेगी। तमिल में यह बहुत ही सुंदर आया है, उससे मेल मिलाप कर और तेरे साथ अच्छी बातें होगी। यदि आप उसे जानेंगे तो भलाई आपके मार्ग में होगी, क्योंकि वही है, वो सारी भलाई का स्रोत है। वो तो सोता है, उन सारी भलाई का जो उत्पन्न किया जाएगा, इसलिए खुद को उससे जोड़ दे तो भलाई आपके मार्ग में आएगी। ये कितना सत्य है, फिर इसे सुनिए। तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। देखिए ये आदमी कैसे सलाह देता है, प्रभु को जाने और फिर उसके वचन को प्राप्त करे उसके मुंह से, और उसके वचन को अपने मन में रखे। क्यों? वो ये क्यों कहता है? क्या होगा यदि आप परमेश्वर को जानेंगे और उसके वचन जो उसके मुंह से निकलते हैं उसे दिल में रखेंगे और दिल में सुरक्षित रखे, जैसे नीति वचन 4 कहता है, ये तुम्हारे मुंह से दूर न होने पाए, तुम्हारी आंखों से दूर न होने पाए। जैसे प्रभु का वचन कई जगह कहता है, प्रभु के वचन को दिल में रखने का क्या लाभ है? वचन 24 को देखिए, तब तू अपने सोने को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन यानी चांदी भी नालों के पत्थर में डाल देगा। सच में ये कह रहा है, तुम सोने को धूल जैसे रखोगे और चांदी को ओपीर के पत्थर जैसे रखेंगे। दूसरे शब्दों में तुम सोने को धूल के जैसे रखोगे और ये सोने की बिस्किट्स जो भी कहते हैं, वो नदी के किनारे के पत्थर के जैसे होंगे।
तुम उसे रखोगे। वो सच में यही कहता है, वो बस पत्थर जैसे होगे। अब कोई, देखिए मुझे याद है, जानते हैं कोई पढ़े लिखे लोग कई बार हर समय अलग विचार लेकर आते हैं, बाइबल पढ़े हुए थियोलॉजियन लोग। वो कहते हैं खैर बाइबल को सावधानी से पढ़ना है, बहुत सावधान रहना होगा, इन बातों के बहाव में न जाए, क्योंकि बहुत सी चीजें वहां कविता के रूप में दी गई है, ये कविता के लिए अच्छी है लेकिन असल में नहीं। मैं उनकी बात सुनता हूं क्योंकि शायद वो सही हो, लेकिन मैंने जाना कि वो गलत है, ये कविता के रूप में नहीं दिया गया है, ये सच है। दाऊद को देखिए, वो चरवाहा लड़का था, कुछ भेड़ों की देखभाल करता था, कुछ भेड़ों की। प्रभु ने उसे राजा होने के लिए चुना, उसे ऊंचे पर ऊपर उठाया, और वो आदमी, उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वो प्रभु के लिए भवन बनाए। उसका सुंदर देवदार का घर था, वो देवदार लकड़ी से बना था, सबसे महंगी और सबसे सुंदर लकड़ी। लेकिन वो तो बस लेकिन वो नहीं सोच सकता था कि खुद के लिए अच्छा घर हो, लेकिन प्रभु, वो चाहता है कि प्रभु के लिए अच्छा घर हो, जहां लोग एक साथ आ सके, जमा हो सके, लोग प्रभु का वचन सुन सके, लोग प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएं और प्रभु से ज्यादा प्रेम करने लगे और एक साथ मजबूत हो। तो उसने निर्णय लिया कि वो प्रभु के लिए महान घर बनाएगा, कोई साधारण चीज नहीं, ऐसा घर जिसे देखने के लिए लोग आएंगे, क्योंकि वो पूरे संसार में शो पीस होगा। बस उसे बनाए अद्भुत रूप में, ये दिखाएगा उस महिमा में धन को जो प्रभु ने उसे दिया और आशीष दी थी। यानी बाइबल कहती है, यदि आप डेक्स बाइबल के बारे में जानते हैं, आप उस भाग को पढ़िए जहां दाऊद ने प्रभु के भवन को बनाने के लिए बहुत दान दिए। उसने व्यक्तिगत रूप में लगभग कुछ करोड़ों रुपए दिए थे उन दिनों में, प्रभु का भवन बनाने के लिए दान दिया। और उस समय सब लोग जो मालिक थे और इसराइली देश में अगुवे थे, वो भी देने लगे, वो सब लोग देने लगे, और फिर करोड़ों और करोड़ों रुपए जमा होने लगे। और फिर वो अपने बेटे को बुलाकर कहता है, ये सारा पैसा है, मैं इसे नहीं बना पाया, लेकिन तू अपने समय में इसे बनाना, और याद रखना सब तैयार है, तुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा यहां पर है, सोना चांदी यहां पर है, इतना दूसरों ने दिया है, लोगों ने दिया है, उससे बढ़कर वो कहता है, मेरे पास सोना और चांदी है और कीमती पत्थर है और हर तरह की कीमती लकड़ी है, साधन है प्रभु का भवन बनाने के लिए जो जरूरी है, उसका लेखा नहीं है, पूरी तरह गिन नहीं सकते। वो कहता है, गिनने का समय नहीं, मैंने उसका ढेर और ढेर लगाया है, मुझे कितना मिला उसे गिनने के लिए समय नहीं, सोना गिनने के लिए समय नहीं। क्या अब आपको लगता है कि चरवाहा लड़का कह रहा है? एक जीवन काल में बस छोटे चरवाहे लड़के के रूप में शुरू किया, कुछ भेड़ों के साथ व्यवहार किया, कुछ भेड़ों से, और वो बढ़कर संसार का सबसे धनी व्यक्ति हो जाता है। इतनी ज्यादा संपत्ति थी और उसके दिल की इच्छा थी कि वो ये सारा धन ले और इसे खर्च कर दे उस उद्देश्य के लिए कि प्रभु के लिए महान भवन बनाए, प्रभु के लिए बड़ा घर बनाए, प्रभु की महिमा के लिए। मैं कहता हूं कि कोई आश्चर्य नहीं कि प्रभु ने इस चरवाहे को इतनी आशीष दी, उसकी इच्छा थी। ये नहीं कि उसका अपना अच्छा घर हो, उसका भविष्य अच्छा हो, पेंशन प्लान हो, उसकी इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए महिमा में भवन बनाया जाए और वो परमेश्वर की महिमा को दर्शाने वाला हो जाए, वो महिमा में धन जो परमेश्वर ने उसे दिया है। और उसके लिए उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा, उसके पास जो भी था उसने उसमें डाल दिया और वो उसके बारे में कुछ नहीं सोचता है, सब कुछ प्रभु का था। ये अद्भुत है। वो ये प्रार्थना करता है, प्रभु हमने कुछ नहीं दिया, सब कुछ तेरी ओर से ही आया है। देखिए वो ऐसा व्यक्ति था जिसका सिर सही जगह पर था, वो सही तरह से सोचता था, वो जीवन का सही दृष्टिकोण जानता था। सब कुछ तेरी ओर से आया, हम तुझे क्या दे, हम तुझे देने वाले कौन है, हमने कुछ नहीं पाया, हमने कुछ नहीं बनाया, सब कुछ तुझसे आया है तो हम तुझे देते हैं। वो कहता है, ये सब तुझसे है, हम बस लौटा रहे हैं, तूने जो बहुतायत से दिया उसमें से। यानी इसे सुनिए, वचन 24, तब तो अपने सोने को धूल पर वरन ओपेर की चांदी भी नाले के पत्थरों में डाल देगा, धूल के जैसे तेरे पास सोना होगा और झरने के पत्थर जैसे तेरे पास चांदी होगी। तब सर्वशक्तिमान तेरा सोना होगा और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। फिर भी सर्वशक्तिमान तेरा सोना और चांदी होगा, देखिए
आप सोने के पीछे नहीं जाएंगे, आप सोने में खुश नहीं होंगे, सोने और चांदी से प्यार नहीं करेंगे। प्रभु आपका सोना और चांदी होगा, आपके पास सोना चांदी होगा। देखिए, प्रभु को इसकी परवाह नहीं कि आपको कितना सोना मिला, कितना चांदी मिला, कितना पैसा मिला। एक भाई ने कहा, देखिए भाई, इतना पैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत धन कहते हैं। प्रभु को पसंद नहीं कि किसी के पास इतना पैसा हो। प्रभु परवाह नहीं करता कि आपके पास कितना पैसा है क्योंकि आपके पास से बहुत ज्यादा उसके पास है। आप जो कल्पना करते उससे भी बढ़कर। प्रभु कोई भिखारी नहीं है। देखिए, प्रभु ने सब कुछ बनाया। प्रभु इसकी परवाह नहीं करता कि आपको कितना मिला है। प्रभु परवाह करता है कि आपके दिल में क्या है। देखिए, और इस मनुष्य के लिए वो कहता है, प्रभु तेरा सोना और चांदी होगा, तेरा प्रेम प्रभु की ओर होगा। अब इसे सुनिए, अद्भुत वचन है, वचन 26। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह उठा सकेगा। अब ये कह रहा है उस व्यक्ति के जीवन में सब काम कैसे करेगा। अब वो परमेश्वर के साथ जुड़ गया, प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जानता है और अब उसका वचन दिल में रखता है और इसलिए भौतिक रूप में संपन्न होते जा रहा है। सोना धूल जैसे है और झरने के पत्थर जैसे वो जमा कर रहा है। सोना उसके लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके पास में आ रहा है। और इसलिए अब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा, तू अपनी मन्नतों को पूरा करेगा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, जब आप प्रभु के साथ में जुड़ते हैं और प्रभु का वचन दिल में रखते तो सब कुछ आपके लिए कैसे होगा। जब आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपसे इतना प्रसन्न है कि वो आप जो चाहे वो आपको देगा। वो आपके कदम पसंद करता है, जीने का तरीका पसंद करता है, वो आपके जीवन की विचारधारा पसंद करता है, वो आपके दृष्टिकोण को पसंद करता है, वो इसे भले मनुष्य को पसंद करता है, वो इस व्यक्ति को पसंद करता है जो प्रभु के लिए जीता है और प्रभु से प्रेम करता और पैसों का उपयोग करता और प्रभु इस व्यक्ति से प्रेम करता है। और आप प्रार्थना में अपना मुंह प्रभु की ओर उठाते हैं तो प्रार्थना में क्या होगा, इसे सुनिए। वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नत पूरी करेगा। मन्नत का अर्थ ये नहीं कि धार्मिक मन्नत, जानते हैं लोग कहते हैं मैंने 1,000 रुपए की मन्नत मांगी इसलिए 1,000 रुपए देता हूं। ये उसका एक भाग है लेकिन ये सब कुछ नहीं है। जब ये कहता है कि आप कैसे मन्नत पूरी करेंगे, ये तो प्रभु के उत्तर देने के परिणाम का भाग है। इसका बहुत ज्यादा इससे अर्थ है। केवल प्रभु को देने के लिए आपने जो मन्नत मांगी है यहां और वहां और ये सब वो आपको करना ही है, लेकिन बात तो ये है कि इसका इससे बहुत ज्यादा अर्थ है। जब आपने घर खरीदा था, आपने वादा किया था बैंक से, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया था, आपने वादा किया कि मैं हर महीने इतना दूंगा और डॉटेड लाइन पर साइन किए थे। जब आपने अपनी कार खरीदी, आपने वादा किया था और साइन करके कहा कि अगले 3 साल तक हर महीने इतना दूंगा मेरी कार के लिए। जब आपने दूसरी चीजें खरीदी, शायद उसके लिए भी साइन किए होंगे। यानी आपने बहुत सी मन्नत मांगी है। ये मन्नत के बारे में कहता है, ये एक वादे के बारे में नहीं जो आपने चर्च में किया था, या आपके जीवन के वादे के बारे में कह रहा है। इसका अर्थ है आपका कर्तव्य, आपके हर महीने के कर्तव्य। ये कहता है कि प्रार्थना में तुम प्रभु की ओर चेहरा उठाओगे और वो तुम्हें सुनेगा, जवाब देगा और आप अपने पेमेंट्स कर पाएंगे समय पर। अब आप इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है? आपने इसके लिए आमीन भी कहा है। देखिए, लोग इसे कैसे समझते हैं, मुझे पसंद है। आप सही समय पर पेमेंट कर पाएंगे, आपको इसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये कहां से आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं, आपके दिल में वचन है और आप प्रभु के लिए जीते हैं। सोना और चांदी आपके मार्ग में आते हैं, आप जो भी करना चाहते संपन्न होता, और जब आप अपना मुंह प्रभु की ओर उठाकर प्रार्थना करते वो जवाब देता है, आपको जवाब देगा, आप पेमेंट कर पाएंगे, सारे वादे चुका सकेंगे, आपने जो कुछ वादा किया दे पाएंगे। क्या ये अद्भुत नहीं? हेलो, कुछ लोग सोच रहे हैं मेरे प्रभु ये नए तरीके का संदेश है। जानते हैं, कई बार मैं खुद चकित होता हूं कि ये किस तरह से होता है। हम सब कुछ बेचेंगे, वड़ा से मेंदू पकोड़ा से बिरयानी तक, कि कुछ फंड रेज करे। हम इसे कहते हैं सेल फॉर द मिशनरीज, और हम ये सारी चीजें बेचते हैं कि 50,000 रुपए जमा करे या 1,00,000 रुपए कि कहीं किसी मिशनरी को दे सके, और ये कभी काफी नहीं है, ये कुछ नहीं है। और सब कहते हैं ओ ये अद्भुत चर्च है, यहां सेल लगी है और हमने कुछ बेचकर 50,000 रुपए जमा किए, बेकार की बिरयानी बनाकर,
जिसे कोई नहीं खा सकता था, और वड़ा और ये सारी चीजें जिसे लोगों ने खरीदा कि वो उस मिशनरी को दे सके, और वो कहते ये अद्भुत है। लेकिन मैं ये प्रचार करता हूं तो कहते हैं ये अद्भुत नहीं, ये धन के बारे में कहते हैं, वो संपन्नता के बारे में कहते हैं। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, यदि आप इसका प्रचार करें हर एक कलीसिया में, किसी भी चर्च में कभी कोई कमी नहीं होगी, किसी चर्च में कभी कोई घटी नहीं होगी। हमें फंड रेज करने के लिए ऐसा कुछ बड़ा सेल करने की जरूरत नहीं होगी, फंड्स तो होंगे ही, क्योंकि हर कोई अब समझ गया है क्योंकि प्रभु उन्हें आशीष क्यों देता है, प्रभु ने क्यों संपन्न बनाता है। अब वो अपना पैसा उपयोग करते हैं जिसके लिए प्रभु ने उन्हें दिया है सबसे पहले ही। मैंने एक सभा के बारे में सुना जहां उन्होंने जवानों को बुलाया और कहा 3 दिनों के लिए 300 रुपए, तुम इस हिल स्टेशन पर आना, हम रिट्रीट करेंगे, इसे न चूके, ये महान महान आशीष होगी आपके लिए, इसे न चूके। तो सारे जवान वहां पर गए और 3 दिनों के बाद उन्होंने पाया कि 5,000 रुपए की कमी है। उन्होंने 5,000 रुपए ज्यादा खर्च किए उनकी योजना से बढ़कर। तो प्रचारक ने आखिरी दिन सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहा कोई बाहर नहीं जा सकता, हमें 5,000 रुपए की कमी है, हमें 5,000 रुपए की कमी है, आप कैसे घर जा सकते। तो जवानों ने कहा मेरे प्रभु, हमने यहां आने के लिए 300 रुपए दिए हैं, आपने कहा था ये महान आशीष होगी तो हम आए हैं, आज आप घर कैसे जा सकते हैं। यदि घड़ी है तो ऑफरिंग बॉक्स में डाल दे, यदि चेन है तो ऑफरिंग बॉक्स में दे दे, यदि ये है तो दे दे, तुम ये जरूरत पूरी किए बिना कैसे घर जा सकती हो। इस जगह से जाने के पहले मुझे जानना होगा कि हमें 5,000 रुपए मिल गए हैं। अब यदि मैं वहां पर एक जवान होता तो कहता आपको किसने बताया कि ये सभा करे भाई, हमें सभा नहीं चाहिए थी, आपने सभा की और आपने न्योता दिया, आपने कहा 300 रुपए लगेंगे, यदि आप पहले कह देते कि 500 रुपए लगेंगे तो हम 500 रुपए चुका देते और यहां पर आते। आपने हमें 300 रुपए बताकर यहां पर लाया और अभी आप बता रहे हैं कि कमी हो रही है। अब ये सब ठीक है, यदि आप ऐसे हैं तो कहेंगे वो अच्छे प्रचारक है, प्रभु के अद्भुत जन है, इन्हें 5,000 रुपए की कमी हुई तो सारे दरवाजे बंद कर दिए और सबको अंदर रख दिया और उस दिन पैसा प्राप्त कर लिया, प्रभु की स्तुति, हमें पैसा मिल गया। मैं आपको बताऊं यदि आपके पास काफी पैसे होते तो कह सकते थे घर जाइए 5,000 रुपए चुका देंगे, ये कुछ बड़ा नहीं है, यदि ये 5,000 रुपए हो या 50,000 रुपए हो हम वो चुका देंगे, प्रभु भला है, प्रभु अनुग्रहकारी है, उसने हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है, हम वो चुका देंगे। देखिए देखिए ये बहुत से चर्च में बड़ी समस्या दूर कर देगा, बहुत से चर्च में पैसों की कमी है और बहुत से मिशनरीज काम के लिए बहुत से दूसरे काम किए जाते हैं, अच्छे कारण है जिसके लिए देना चाहिए, जानते हैं वो रुकना नहीं चाहिए, देखिए वो रुकना नहीं चाहिए, प्रभु के लिए कुछ करेंगे यदि काफी पैसा होता है तो। देखिए हम वो कर सकते हैं जो प्रभु चाहता है, जानते हैं एक भाई ने मुझसे शिकायत की, खैर जानते हैं मैंने टेलीविजन ऑन किया और वो पैसे मांगते हैं, मैंने कहा भाई उन्हें चलाने के लिए पैसा चाहिए, आप यहां बैठकर दिन भर इसका आनंद उठाते हैं, क्या आपने उन्हें कुछ दिया है? हेलो क्या आपने कुछ दिया है? हाँ भाई मुझे प्रचार बहुत पसंद है, मुझे ये पसंद है, बहुत पसंद है, सुबह से शाम तक ऑन करता हूं। ठीक है आपने सुबह से शाम तक ऑन रखा, आपने आत्मिक बातों को पाया है, सामर्थी अभिषिक्त संदेश सुना है और ये सब जो टेलीविजन पर आता है, लेकिन क्या आपने कभी लिखकर कहा ये मेरी ओर से है, मैं आपको इतना देता हूं? वो कहते देखिए भाई मैं सीमित कमाई वाला हूं भाई, इसलिए मैं इतना नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं टीवी का बहुत आनंद लेता हूं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं क्यों पैसे मांगते हैं, यदि उनके पास इतना पैसा होता तो पैसा नहीं मांगते, क्योंकि उनके पास भी बहुतायत से होता। घटी क्यों है जानते हैं? क्योंकि सब लोग पतली रस्सी पर ही चल रहे हैं, सबके पास केवल इतना ही है और ज्यादा नहीं है, वो नहीं दे सकते, जानते हैं वो खुद बहुत परेशानी में है। मैं इसीलिए इसके बारे में प्रचार कर रहा हूं दोस्तों, मैं इसीलिए सच्चाई प्रचार कर रहा हूं कि प्रभु हमें धनी कैसे और क्यों बनाता है, प्रभु क्यों चाहता है कि हमारे पास में अब्राहम की आशीष हो, और क्यों प्रभु चाहता है कि हम धन में संपन्न होते चले जाए, क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर हर परिवार सुसमाचार सुन सके और आप और मैं इसे संभव करेंगे, हम इसे संभव करेंगे यदि सबके पास पैसा है, जानते हैं आपको वड़ा और बिरयानी बेचने की जरूरत नहीं है,
बस एक चेक लिखे, कितना चाहिए? सेल कैंसिल कीजिए, मैं आपको 1,00,000 रुपए का चेक देता हूं, ये यहां पर है। खत्म। ये इसलिए क्योंकि मन बहुत छोटे हैं, उसमें प्रभु की योजना और उद्देश्य नहीं आए हैं, हम इतने ऊंचे स्तर पर नहीं सोचते हैं, जानते हैं। चलिए मैं पढ़ता हूं, अध्याय 22। तुम घोषित करोगे, मैं इसी वचन पर खत्म करना चाहूंगा, जो बात तू ठान ले वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। तुम एक बात को ठान लोगे, घोषित करोगे, ये इस तरह कहता है, तुम भी बात घोषित करोगे, यानी आप निर्णय लेकर घोषित करेंगे। देखिए, हर समय जब आप सामर्थ्य पाकर आशीषित नहीं होते हैं, जब आपके पास काफी नहीं होता है, बाकी सब आपका भविष्य निश्चित करते, सारे आपके रिश्तेदार साथ में आते और कहते, नहीं ये नहीं खरीदना क्योंकि तुम ये नहीं ले सकते, तुम ऐसा घर नहीं खरीद सकते, तुम ऐसी कार नहीं खरीद सकते, इससे मत खरीदना। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पास नहीं है, आपको सामर्थ्य नहीं मिली। वो सब आपको घेर कर बैठते और कहते हैं, ये इतना ही है और कुछ नहीं, तुम इससे परे नहीं जाना, तुम्हें इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी यदि आपको घर खरीदना है, केवल रिश्तेदार ही सीमा नहीं रखते हैं, बैंकर भी आते हैं, उनके पास प्रोग्राम है पहले से योग्य ठहराना, ये जानते हैं, प्री क्वालिफाइड। तो वो अपनी नोटबुक लेकर आते हैं और कहते हैं, पिछले 3 साल से आपने कितनी कमाई की है, मैं आपके रिटर्न और सब देखता हूं, आप कितना चुका सकते हैं। वो कहते हैं, हम आपको इतना दे सकते हैं, आपको 2,000,000 रुपए दे सकते हैं और ज्यादा नहीं, यानी आपको इससे नीचे का घर खरीदना है। यानी जब भी प्री क्वालिफाइड की बात होती है तो हमारे मन में पहले ये विचार आते हैं। देखिए, वो जो भी कहते हैं वो अच्छे से जम जाता है, क्योंकि हम वचन में ज्यादा नहीं है, विश्वासी वचन में ज्यादा नहीं। यानी जब पहले से नियुक्त करने वाली बात आती है तो हमें एक लोन के लिए योग्य बनाते हैं, हम कहते हैं, यदि इसी तरह से योग्य हूं तो बस यही मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु का नाम आपको बहुत ज्यादा के लिए योग्य बनाता है। हेलो, देखिए, आपको ऐसी जगह नहीं रहना है जहां कोई आपका भविष्य निश्चित करता है और आपको बताता है कि आप ये पा सकते हैं, आप क्या नहीं पा सकते। यह आपके विश्वास के अनुसार होगा। आपका विश्वास कहां पर है? क्या आपके दिल में कुछ नहीं है? क्या आप प्रभु का वचन नहीं देख सकते हैं? क्या आप कुछ विश्वास नहीं करते? आपने क्या निर्णय लिया? क्या आप निर्णय नहीं ले सकते? आपने जो विश्वास किया और आपने जो अपेक्षा की है, आपके विश्वास से और कोई आपके लिए निर्णय लेकर बातें ना करे। आप निर्णय ले अपने दिल में जो विश्वास है उसके अनुसार। इसलिए आपको दिल में प्रभु का वचन रखना पड़ता है और दिनों दिन बढ़ते जाना है प्रभु की विश्वास योग्यता और ज्ञान में। यानी इसके आधार पर आपके पास जो विश्वास है उसके आधार पर आपको क्या चाहिए वो निर्णय ले सकते हैं। रेवरेंड सैम पी चल्लदुरई के द्वारा चलाए गए बाइबल कॉलेज के एडमिशंस अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। और जानकारी के लिए कृपया हमें लिखिए FGBC PO बॉक्स 494 67। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें संपर्क करें। Sufficient, it's an all-sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness is better than life. Oh, it's better. Oh. Fairest of 10,000. Fairest of 10,000, of 10,000 you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness better than life. Whoa, it's better. Life, oh, so much.
think about his loving kindness to us. Think about how he has been good to you, loving to you. Sing this with me. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself. It's better than life. Jesus, Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. One more time. Jesus, your loving better than life.